शांति 28 अगस्त 2023। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, अर्थात जो निश्चय बुद्धि होते हैं वह विजय माला ज्ञान में अष्ट रत्न आत्मा की माला में आते हैं। निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बनते हैं, अर्थात स्वर्ग की बादशाही के लायक बनते हैं। पहला निश्चय चाहिए कि भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। आज का प्रश्न है, बाप सर्वशक्तिमान होते भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते, अर्थात बाबा अपनी शक्ति से परम धाम से ही सबको ज्ञान दे बिना आए। उत्तर है, बाबा कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ज्ञान सुनाने के लिए आना ही पड़ेगा। प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाए तो पढ़ा कैसे सकेगा। बच्चे, मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाना है, स्वर्ग का वर्षा देना है, इसलिए मैं शरीर का आधार लेकर आता हूँ। इसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत हो उल्टा कर्म नहीं करना है। देह अभिमान की आदत को छोड़ देही अभिमानी रहने का कोर्स पूरा करना है, अर्थात शरीर के अभिमान को त्याग आत्म अभिमान में रहने का कोर्स करना है। निश्चय में कभी भी हिलना नहीं है, जब तक जीना है पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। आज का वरदान है, करावनहार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह, जैसे ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो यही गीत गाते रहे, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, सेवा का काम भी जो बाकी रहा हुआ है वह भी करावनहार करा रहे हैं और कराते रहेंगे। सदा स्मृति रहे, बाप करावनहार बन हमारे द्वारा करा रहे हैं, तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है यह कार्य होना ही है, हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहो। आज का स्लोगन है, अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो, अर्थात इस मायावी दुनिया से परे हो जाओ। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं, ब्राह्मणों का पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा, तो रूहानी बाप और जिस्मानी बाप भी है। तुम शिव बाबा के रूहानी बच्चे हो और ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा का बच्चा है और शरीर से ब्राह्मणों का बाप है, जिससे यह ब्रह्म कुमार कुमारियां निकले। तुम ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोत्रे हो, वर्षा उनसे मिलता है यह भी समझ की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारियां, अर्थात परमपिता परमात्मा शिव की शक्तियां, शक्ति मिलती है शिव बाबा से, इनकी अर्थात ब्रह्मा की आत्मा से नहीं। तो याद शिव बाबा को करना है, इससे ही हम पतित से पावन होंगे। जो देवता धर्म के होंगे वही आएंगे,
जो श्री कृष्ण पुरी में आने वाले होंगे वही ब्रह्मा पुरी में आएंगे, ब्रह्मपुरी में नहीं। कोई कोई में बुरी आदतें होती हैं, कोई में काम की आदत होती तो वह भाग जाता है, वह यहाँ ठहर नहीं सकता क्योंकि वह देह अभिमान को छोड़ते नहीं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा इमॉर्टल है, वह मरती नहीं। शरीर मॉर्टल है, शरीर मर जाती है। तुम देही अभिमानी बनो, अर्थात आत्म अभिमानी बनो। कोई तो 2-3 मास में देही अभिमानी बन जाते हैं, कोई फिर 25 वर्ष में भी नहीं बनते। पाप बुद्धिवानों के बुद्धि है ना, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। सुनने वालों के नैन चैन से ही मालूम पड़ जाता है इनको कहाँ तक धारणा होती है, उच्च पद पा सकेंगे व नहीं। बाबा झट समझ जाते हैं कि यह समझने वाला है या नहीं, या बुद्धि योग कहाँ भटकता रहता है।